इसके आगे हम पढ़ लेते हैं बच्चों, आज तो हमारी नेक्स्ट तो केमिकल रिएक्शन है ना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सेकंड टाइप की केमिकल रिएक्शंस, वो रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ओएच बॉन्ड। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। ये बॉन्ड क्लीवेज होगा तो किस टाइप की केमिकल रिएक्शन शो करेंगे आपको, वो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होगा यहाँ पे, किस टाइप की केमिकल रिएक्शन देगा। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद हेलोजन एसिड्स, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद हेलोजन एसिड। देखो बेटा, हेलोजन एसिड्स क्या होते हैं, हेलोजन एसिड्स को हम लिखते हैं आर एक्स, क्या लिखते हैं बेटा, एच एक्स। यहाँ पे एक्स क्या है, क्लोरो ब्रोमो हाइड्रो, तो मतलब कौन कौन से एसिड हो सकते हैं, वो एच सी एल हो सकता है, एच बी आर हो सकता है, एच आई हो सकता है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और इस रिएक्शन से हम क्या कर सकते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वी कैन डिफ्रेंशिएट बाय दिस इक्वेशन फ्रॉम 1 डिग्री एल्कोहल 2 डिग्री एल्कोहल एंड 3 डिग्री एल्कोहल इस रिएक्शन से। तो इस रिएक्शन का एक नाम भी है, इसे हम बोलते हैं बेटा ल्यूकास रिएजेंट है। क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट। ये टेस्ट किसके लिए किया जाता है, टू आइडेंटिफाई 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में डिफ्रेंशिएट करने के लिए टेस्ट करेंगे। अब ध्यान देंगे बेटा, ये टेस्ट क्या होता है और ये ल्यूकास रिएजेंट क्या है। सबसे पहले तो आप ये समझे ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, तो ल्यूकास रिएजेंट में लिख देता हूँ यहाँ पे, आपके कंपटीशन में भी बहुत बार ये पूछे करता है। ल्यूकास रिएजेंट ये होता है बेटा HCl प्लस एनहाइड्रस जेड एन सी एल टू, इसका कॉम्बिनेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट। समझ में आ रही है बात आपको, दो चीजों का मिक्सर है ये, किस किस का बेटा, एक तो है एच सी एल और दूसरा है, एक है एच सी एल का, एच सी एल यूज होगा इसमें और साथ में क्या होगा, एनहाइड्रस जेड एन सी एल टू, इसका यूज करना पड़ेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। और इस रिएजेंट से हम क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब ये कैसे करेंगे, तो इसका प्रोसेस भी देख लो बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास में एल्कोहल है, देखो आपको मैं बता देता हूँ, 1 डिग्री एल्कोहल, तो ये 1 डिग्री एल्कोहल में हमने ले लिया एथेनॉल CH3CH2, ये क्या है एथेनॉल, ये है 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किससे, ल्यूकास रिएजेंट से। ल्यूकास रिएजेंट होता है HCl प्लस एनहाइड्रस जेड एन सी एल टू, तो ये एनहाइड्रस जेड एन सी एल टू एक्चुअल में क्या होता है, ये एक्चुअल में होता है ल्यूइस एसिड, LEWIS, Lewis acid, जिंक क्लोराइड। तो जिंक क्लोराइड की परचेज में एल्कोहल किससे रिएक्ट करेगा, HCl से रिएक्ट करेगा। और इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए, क्योंकि 1 डिग्री एल्कोहल है, इसको गर्म करना पड़ेगा, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, किसमें, एल्काइल हैलाइड, तो ये एल्काइल हैलाइड CH3 CH2 और Cl। अब रिमूव क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा,
वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा इस रिएक्शन। ये 1 डिग्री एल्कोहल को ल्यूकास रिएक्शन से रिएक्ट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मिक्सर को गर्म करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। एथेनॉल को जब हम ल्यूकास रिएक्शन के साथ में गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, व्हाइट कलर का पीपीटी बनेगा, व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट, इससे क्या कंफर्म हो जाएगा, परचेंज ऑफ एल्कोहल। अब हमारे पास में अगर 2 डिग्री एल्कोहल है तो 2 डिग्री एल्कोहल में एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा CH3, यहाँ हमने लिख दिया CH3 और यहाँ लगाया OH, ये 2 डिग्री एल्कोहल है। इसका नाम अगर आप लोगों को पता है तो बता दीजिए, इसे बोलते हैं प्रोपेन टूल। क्या कहते हैं बेटा इसको, प्रोपेन टूल, प्रोपेन टूल, ठीक है। अब इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे किससे, HCl से इसकी रिएक्शन कराएंगे, HCl से रिएक्शन कराएंगे इसकी प्रेजेंस में एनाइट्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराएंगे। तो एनाइट्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, क्या रिमूव होगा बेटा, ध्यान देंगे, ये वाटर रिमूव होगा, ठीक है। और क्या मिलेगा हमें, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड CH3, यहाँ पर हमने लगाया CH, ये हो गया Cl, वाटर बांध दिया, ठीक है। ये रिएक्शन 1 डिग्री एल्कोहल के कंपैरिजन में फास्ट होती है, फास्टर देन 1 डिग्री एल्कोहल, ये रिएक्शन फास्ट होगी 1 डिग्री एल्कोहल के कंपैरिजन में। अब हम कंपेयर करते हैं बेटा 3 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन करवा के देखते हैं ल्यूकास रिएक्शन से क्या होता है। ये हमने लिया 3 डिग्री एल्कोहल, ये 3 डिग्री एल्कोहल मैंने ले लिया है जिसका नाम आप लोग बताएंगे चैट बॉक्स में लिख के, इसका क्या नाम है, इसका यूपीसी नाम बताना बेटा इस कंपाउंड का। ये 3 डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल, इसकी रिएक्शन हमें करानी है किससे, इसकी रिएक्शन करानी है HCl से, किसकी प्रेजेंस में, एनाइट्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में। क्या रिमूव होगा, यहाँ पे सेम कंडीशन आएगी बेटा, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव, ये वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव, क्या बनेगा प्रोडक्ट में, क्या बनेगा देखो ध्यान से देखेंगे, प्रोडक्ट बनेगा आपका CH3, यहाँ हमने लिख दिया CH3 और यहाँ हम लगा देंगे Cl। तो ये क्या है बेटा, ये है 2-chloro-2-methyl propane, ये इसका यूपीसी नेम है, इसका यूपीसी नाम आप लोगों को बताना है, इसका यूपीसी नेम बताना है आप लोगों को। तो आप लोगों को समझ में आया होगा बेटा कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, एल्काइल हैलाइड बनते हैं, कोरिस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड बनते हैं। अब ये सब रिएक्शन क्या होगी, मतलब सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सा देगा, कौन सा एल्कोहल देगा, 3 डिग्री एल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शन देगा, देन 2 डिग्री एल्कोहल, देन 1 डिग्री एल्कोहल। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये मैं लिख देता हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, 3 डिग्री सबसे फास्ट देगा, देन 2 डिग्री और सबसे लेस्ट कौन देगा, 1 डिग्री एल्कोहल, ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, 3 डिग्री एल्कोहल सबसे फास्ट, देन 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्कोहल को रिएक्शन देगा ही नहीं, बहुत ही कम रिएक्शन देगा या बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं देगा, या देगा तो भी उसको क्या करना पड़ेगा, हीटअप करना पड़ेगा तब रिएक्शन होगी। तो ल्यूकास रिएजेंट में एक शॉर्ट में बता देता हूँ बेटा, ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, ल्यूकास रिएजेंट आप लोगों को समझ में आया होगा, ल्यूकास रिएजेंट एक्चुअल में HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, इसके मिक्सर को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। अब ये ल्यूकास रिएजेंट का काम क्या है, ये ल्यूकास रिएजेंट का काम है डिटेक्शन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल, इसका काम होता है डिटेक्शन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3
डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में डिफ्रेंशिएट करने के काम ये रिएजेंट आता है। अब रिएक्शन किस टाइप से प्रोसीड होती है? हम देखो रिएक्शन किस टाइप से प्रोसीड होती है, अब देखना बेटा रिएक्शन कैसे होती है। ये जो 3 डिग्री एल्कोहल है ना, 3 डिग्री एल्कोहल, ये 3 डिग्री एल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा किसके साथ में? ल्यूकास रिएजेंट के साथ में सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा, फास्ट, वेरी फास्ट। जैसे ही आप ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्ट करवाओगे 3 डिग्री एल्कोहल का, क्या आ जाएगा? इंस्टेंटली इंस्टेंटली पीपीटी एपीएस, APS, instantly PPT APS, 3 degree alcohol से तुरंत ही क्या आ जाएगा? PPT आ जाएगा। 2 degree alcohol के साथ में आप रिएक्शन करवाओगे ल्यूकास रिएजेंट की, तो PPT आएगी, लेकिन आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट के बाद में PPT आएगी, व्हाइट कलर की PPT आती, व्हाइट PPT आती। और अगर आप 1 डिग्री एल्कोहल से ट्रीट करवाओगे, 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्ट करवाओगे, तो पीपीटी नॉट एपियर, या आधे घंटे से भी ज्यादा टाइम लगेगा, हाफ एन आवर का टाइम लगेगा। रिएक्शन बहुत स्लो होती है। सबसे फास्ट रिएक्शन कहाँ होगी? 3 डिग्री में सबसे फास्ट होगी, उसके बाद में 2 डिग्री में फास्ट, उसके बाद में सबसे लीस्ट रिएक्शन कहाँ होगी? 1 डिग्री में। ये इसका रिएक्टिविटी का सीक्वेंस है, किसके साथ में? ल्यूकास रिएजेंट के साथ में। जो मैंने बताया आप लोगों को समझ में आया होगा बेटा, अच्छे से समझ में आ गया, आयोडीन का मिक्सचर। तो हम पढ़ रहे हैं बेटा एक फॉस्फोरिक हैलाइड, हमने बताया फॉस्फोरिक हैलाइड्स क्या होते हैं, ये फॉस्फोरस और ये हैलाइड का मतलब है हैलोजन्स। तो हैलोजन्स में वो क्लोराइड हो सकता है, या फिर ब्रोमाइड हो सकता है, या फिर वो आयोडाइड हो सकता है। PCl5 ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉस्फोरिक हैलाइड, जिसे बोलते हैं फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड, PCl3 फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड, PBr3 फॉस्फोरस ट्राई ब्रोमाइड, एंड Pi3 फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड। ये 3-4 टाइप के क्या है? फॉस्फोरिक हैलाइड है। इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं एल्कोहल से, तो क्या मिलता है? ये रिएक्शन हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी होगी, फर्स्ट चैप्टर जो अभी हमने पढ़ा है हेलो एल्केन और हेलो एरिन, उसमें भी हमने पढ़ा है। उसमें प्रिपरेशन मेथड में हमने पढ़ा था कि एल्काइल हैलाइड को एल्कोहल से किस टाइप से हम बना सकते हैं। एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने की मेथड में हमने ये रिएक्शंस की थी। तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा? एल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे। क्या करेंगे? एल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं। देखो ये दिया हमने एल्कोहल ROH, यह है एल्कोहल, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम PCl5। तो यहाँ पे R की जगह मैं क्या ले लेता हूँ? CH3 CH2OH एथेनॉल ले लेता हूँ। एथेनॉल की रिएक्शन हम करवाते हैं PCl5 से, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? क्लोरोएथेन। क्या मिलेगा बेटा? क्लोरोएथेन प्लस POCl3 प्लस HCl, ये बाहर निकलेगा। ठीक है, बात समझ में आई? अब अगर हम क्लोरोएथेन की रिएक्शन, ये जो कंपाउंड है ना, इसकी रिएक्शन करवा लेते हैं किससे? PCl3 से, तो भी प्रोडक्ट ये आएगा सेम, CH3 CH2 Cl, इसे हम बोलते हैं क्लोरोएथेन। ये क्या है? क्लोरोएथेन प्लस अब मिलेगा हमें H3PO3 प्लस HCl, ये बाय प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। यहाँ पे HCl नहीं आएगा बेटा, सिर्फ ये आएगा H3PO3 आएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान देंगे केमिकल रिएक्शन। ठीक है, समझ में आई बेटा? फॉस्फोरस हैलाइड से रिएक्शन करते हैं अगर एल्कोहल, तो क्या मिलता है? एल्काइल हैलाइड बनते हैं। क्या बनते हैं? एल्काइल हैलाइड्स, ये एल्काइल हैलाइड। तो ये जो रिएक्शन है ना, आपके कन्वर्जन में काम आएगी, इंटर कन्वर्जन में ये रिएक्शंस काम आ रही है। तो इंटर कन्वर्जन का मतलब क्या है? जैसे अगर आपको पूछे एल्कोहल से आपको बनाना है एल्केन, एल्कोहल से आपको क्या बनाना है बेटा?
एल्केन बनानी है, तो एल्कोहल से एल्केन बनानी है, तो मेथड क्या क्या हो सकता है? इसकी रिएक्शन आप किससे करवा दो, इसकी रिएक्शन करवा दो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो भी एल्केन बन जाएगी, या फिर इसकी रिएक्शन आप किससे करवा दो, फॉस्फोरिक हैलाइड से करवा दो, फॉस्फोरिक हैलाइड से करवा दो, जैसे PCl5 है, PCl3 है, इससे करवाओ, तो सबसे पहले क्या बनेगा, एल्काइल हैलाइड बनेंगे। उस एल्काइल हैलाइड की आप रिएक्शन करवा के किस में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हो। कौन सी रिएक्शन करेंगे यहाँ पे, वुड्स रिएक्शन हम करेंगे। वुड्स रिएक्शन आप लोगों को पता होगा बेटा, तो वुड्स रिएक्शन से हम एल्केन बना सकते हैं, है ना। तो ये इंटर कन्वर्जन में ये रिएक्शन हमारी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहती है। अब हम पढ़ेंगे बेटा रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द एल्कोहल मॉलिक्यूल एज ए होल। पूरा एल्कोहल मॉलिक्यूल अगर रिएक्ट करता है तो किस टाइप की रिएक्शंस होती है, तो रिएक्शंस पढ़ लेते हैं बेटा। रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द एल्कोहल मॉलिक्यूल एज ए होल। पूरा एल्कोहल मॉलिक्यूल अगर रिएक्ट करता है तो कौन सी रिएक्शन होती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसमें हम पढ़ेंगे बेटा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन होता है, कौन सी रिएक्शन होती है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब देखो डिहाइड्रेशन ये जो वर्ड है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, देखो डिहाइड्रेशन ये वर्ड इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से वाटर का मॉलिक्यूल को रिमूव करना, इसे हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये रिएक्शन किस टाइप से होती है ये आप लोगों को देखना है। तो ये जो रिएक्शन है बेटा किस टाइप से होती है, रिमूवल ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ एल्कोहल कैन लीड द फॉर्मेशन ऑफ, तो बनेगा क्या बेटा, एल्किन बनेगी। अगर हम एल्कोहल से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव कर देते हैं, एल्कोहल का अगर हम डिहाइड्रेशन कर देते हैं, ये एल्कोहल हमने क्या किया इसका, डिहाइड्रेशन, ध्यान देना डिहाइड्रेशन, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, एल्किन्स ऑब्टेन होगी। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करने के लिए हम इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, एल्कोहल की रिएक्शन किससे करवा देंगे, हम कराएंगे कंसेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन। साथ में इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, क्या बनेगी, एल्केन। ये रिएक्शन हम देख लेते हैं, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म भी है वो भी हमें पढ़नी है। तो हम पढ़ेंगे बेटा डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल, रिएक्शन हम देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, रिएक्शन है बेटा डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल, डी हाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल का डिहाइड्रेशन कराना। एथेनॉल हम लिख देते हैं, ये एथेनॉल CH3 CH2OH, इसका हम डिहाइड्रेशन कराएंगे तो किसकी प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, अभी हमने बताया कंसेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड हमें देना पड़ेगा, कंसेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करवा, कंसेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। साथ में इसको टेम्परेचर भी देना है, टेम्परेचर देना आपको 433 टू 443 केल्विन, इसके बीच में आपको टेम्परेचर रखना है, ठीक है। तो क्या होगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, क्या बनेगी, एथीन, ये बन गई एथीन, एथीन फ्रॉम एथेनॉल, एथेनॉल से एथीन बन गई, ठीक है। एथेनॉल से क्या बनी है, एथीन बनी है, ध्यान देना इसे, एथेनॉल से एथीन बनी है। रिएक्शन कैसे हो रही है, देखो ध्यान से देखो बेटा, जैसे ये एथेनॉल जो अभी हमने लिखा ना, इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, देखो
सी एच टू, ये मैंने लिखा सी एच टू और यहाँ लगा दिया ओ एच और यहाँ लिख दिया मैंने एच। एक्चुअल में ये कौन सा मॉलिक्यूल है, ये एथेनॉल ही है, एथेनॉल मॉलिक्यूल है। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे किससे, कंसेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की तरफ में, इसको गर्म करेंगे 443 केल्विन पे। तो 443 केल्विन पे गर्म करेंगे तो वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है ना ये यहाँ पर आएगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा एथीन। ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म भी है बेटा, अब देखो ध्यान से देखेंगे, ये तो हमने लिया 1 डिग्री एल्कोहल से, ये हमने किया बेटा 1 डिग्री एल्कोहल से। अब अगर हम 2 डिग्री एल्कोहल का यूज करें तो क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं। तो 2 डिग्री एल्कोहल ले लेते हैं, ये सी एच थ्री सी एच और यहाँ हमने ले लिया सी एच थ्री, यहाँ हमने लिख दिया ओ एच, ठीक है। अब देखो 2 डिग्री जो एल्कोहल है ना वो 1 डिग्री एल्कोहल से फास्ट रिएक्शन देता है, यहाँ पे भी हम ले लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड लेकिन यहाँ पे कंसेंट्रेट नहीं लेंगे, यहाँ पे हम क्या ले लेंगे बेटा 85% सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब ये थोड़ा सा डाइल्यूट है एज कम्पेयर टू कंसेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, प्योर के कंपेरिजन में थोड़ा सा क्या है डाइल्यूटेड है और टेम्परेचर भी हम माइल्ड रखेंगे तो ये क्या करेगा ये भी एल्किन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये एल्किन बना देगा सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू प्रोपीन बनेगी प्रोपीन। तो हाइड्रोजन का मतलब वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, तो वाटर मॉलिक्यूल एक ये ओ एच यहाँ से जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा तो यहाँ बच जाएगी सी एच टू, एक हाइड्रोजन ये इसे जुड़ जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ठीक है। इस टाइप से ये रिएक्शन होती है। अब अगर हम लेते हैं 3 डिग्री एल्कोहल, ये हमने क्या लिया था बेटा 2 डिग्री एल्कोहल, ये 2 डिग्री एल्कोहल का हमने डिहाइड्रेशन करवाया। अब हम पढ़ते हैं बेटा 3 डिग्री एल्कोहल से डिहाइड्रेशन सीखेंगे। तो ये 3 डिग्री एल्कोहल है बेटा, देखो ध्यान से सी एच थ्री, यहाँ हमने लिख दिया सी एच थ्री और यहाँ लिखा मैंने सी एच थ्री और इसको मैं सी सी एच थ्री लिख देता हूँ, यहाँ मैंने लगा दिया ओ एच। रिएक्शन वही करवाएंगे हम, अब हम ले लेंगे भी सिर्फ 20% सल्फ्यूरिक एसिड, 20% सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया हमें। अब टेम्परेचर बहुत कम रखेंगे, टेम्परेचर रखेंगे 358 केल्विन तो रिएक्शन हो जाएगी, तो रिएक्शन से हमें क्या मिलेगा एल्किन मिलेगी सी एच थ्री सी, यहाँ हमने लिख दिया सी एच थ्री और यहाँ पे सी एच प्लस एच टू ओ। मतलब कहने का मतलब ये है कि रिएक्शन देखो किस टाइप से होगी, रिएक्शन में बता देते हैं, रिएक्शन में ओ एच यहाँ से जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, ये सी एच टू रह जाएगा फिर एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा एच टू ओ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रह जाएगा फिर टू रह जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड इधर आएगा हाफ और इसका ये जो हाफ बॉन्ड है ना ये इधर आएगा और ये क्या बन जाएगा एक बीच में फुल बॉन्ड बन जाएगा, तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा 2-methylpropene, 2-methylpropene बन गई। अब अगर हम देखें कौन सा एल्कोहल जल्दी से डिहाइड्रेशन रिएक्शन को प्रोसीड करेगा, कौन सा एल्कोहल सबसे जल्दी डिहाइड्रेशन देगा, तो सबसे पहले देगा 3 डिग्री एल्कोहल, देन 2 डिग्री एल्कोहल एंड 1 डिग्री एल्कोहल सबसे लीस्ट रिएक्शन देगा, मतलब ये सबसे स्लो रिएक्शन देगा, ठीक है। ये हमने क्या बताया है रिएक्टिविटी ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ये हमने बताया है रिएक्टिविटी ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, मतलब जो 3 डिग्री एल्कोहल है वो बहुत फास्ट रिएक्शन देंगे, डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी हो जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल, देन फॉलोड बाय 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। तो एल्कोहल का डिहाइड्रेशन अगर हम करवाते हैं, डिहाइड्रेशन अगर हम एल्कोहल का कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलता है बेटा,
प्रोडक्ट क्या मिलता है डिहाइड्रेशन से? डिहाइड्रेशन से हमें मिलती है एल्कीन। क्या मिलती है हमें? एल्कीन्स मिलती है। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं हम? कंसेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म है वो हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा आपको, बता पड़ेगा रिएक्शन होगी। डिहाइड्रेशन कंप्लीट होता है थ्री स्टेप्स में। तो सबसे पहले क्या होता है, ध्यान देंगे, ये जो एल्कोहल है ना, स्टेप वन हम पढ़ रहे हैं, स्टेप फर्स्ट में ये जो एल्कोहल लिया हमें CH3 CH2OH, तो ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, ये H प्लस आएगा कहाँ से? सल्फ्यूरिक एसिड से। सल्फ्यूरिक एसिड है ना, तो हम इसमें यूज लेते हैं, तो इससे हमें क्या मिलेगा? H प्लस आयन मिलेगा, प्लस HSO4। इसको मैं लिख देता हूँ 2H, यहाँ मिलेगा हमें सल्फेट। ठीक है, ये जो H प्लस है ना, ये इससे रिएक्ट करेगा इस एल्कोहल से। ये जो लोन पेयर है ना, ये इसको मिल जाएंगे, ये जो लोन पेयर है वो इसको मिलेंगे। तो क्या बनेगा, देखो स्टेप फर्स्ट में CH3 CH2 और यहाँ पे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो इस ऑक्सीजन के पास में एक लोन पेयर की कमी हो गई, डेफिशिएंसी हो गई। ये स्टेप वन हो गया बेटा, स्टेप वन ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब स्टेप टू की बात करते हैं। स्टेप टू,